नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमन छेत्री और आज हम बात करेंगे इसराइल और फिलिस्तीन के हिस्ट्री के बारे में। ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्यों ये चल रहा है, कैसे शुरू हुआ था, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। सो बने रहिए मेरे साथ। अराउंड 957 BC के दौरान इसराइल में था इसराइलियट किंगडम और उसका राजा था सोलोमन। और सोलोमन ने पहला टेम्पल बनाया था ज्यूइश लोगों के लिए इन जेरूसलम, और ज्यूइश लोग मानते थे कि ये सबसे होलीएस्ट साइट है फॉर देम। बट उस टेम्पल को अराउंड 587-86 BC के दौरान जो बेबीलोनिया किंगडम का राजा था नबूकदनेस्सर II, उसने उस टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया और पूरी तरह से उस टेम्पल को लूट लिया था। बट फिर से उसी सेम साइट में जेरूसलम में फिर से ज्यूइश टेम्पल को और एक बार रिकन्स्ट्रक्ट किया गया था। जैसे उस टेम्पल को रिकन्स्ट्रक्ट किया गया था अराउंड 70 BC के दौरान फिर से एक बार रोमन्स ने उस टेंपल को अटैक किया और पूरी तरह से जितना भी खजाना था लूट लिया और उस टेंपल को फिर से एक बार पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। जब सेकंड टेंपल ज्यूइश का डिस्ट्रॉय हुआ था, उसके बाद जब मुस्लिम आया 7th century के दौरान और जेरूसलम को कैप्चर किया, वहीं पर जो कलीफ था उसने ऑर्डर दिया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक होली साइट, जिसका नाम था द डोम ऑफ द रॉक। डोम ऑफ द रॉक बेसिकली पार्ट था अल अस्क मॉस्क का, और उसको बनाया गया था टेंपल माउंट, जो कि ओल्ड जेरूसलम का एक सिटी था। वहाँ पर इस इस्लामिक होली साइट को कंस्ट्रक्ट करने का ऑर्डर दिया गया था। दोनों ज्यूइश और अरब मुस्लिम क्लेम करते थे कि वो उनका लैंड है कपल ऑफ थाउजेंड ईयर्स पहले। बट जो करंट पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट है वो स्टार्ट हुआ ड्यूरिंग द अर्ली 20th century, लगभग 100 सालों पहले, जब ओटोमन एम्पायर हार गया था वर्ल्ड वॉर 1 में। उस दौरान ब्रिटिशर ने फिलिस्तीन को अपने कंट्रोल में ले लिया था। उस वक्त उस लैंड में रहते थे ज्यूइश लोग माइनॉरिटी में और अरब लोग रहते थे मेजॉरिटी में, और दोनों कम्युनिटी के बीच में टेंशन स्टार्ट तब हुआ जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ब्रिटिशर्स को एक टास्क दिया कि आप नेशनल होम एस्टेब्लिश कीजिए फिलिस्तीन में फॉर द ज्यूइश पीपल, ज्यूइश लोगों के लिए नेशनल होम क्रिएट कीजिए इन फिलिस्तीन, क्योंकि ज्यूइश लोगों के लिए वो था एंसेस्ट्रल होम, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा। बट जो फिलिस्तीनी अरब्स थे उन लोगों ने इस लैंड को क्लेम किया और ये जो मूव था इसको अपोज करने लग गए। उसके बाद दोनों कम्युनिटी के बीच में टेंशन काफ़ी ग्रीव हो गए। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ज्यूइश लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ था इन यूरोप, तो उसी कारण लार्ज नंबर ऑफ ज्यूइश पॉपुलेशन आ गए थे फिलिस्तीन में, क्योंकि इट वॉज द एंसेस्ट्रल होम, जैसे कि आप सभी को पता होगा, स्पेशली इन जर्मनी जहाँ पर नाजिस गैस चैम्बर वो काफ़ी फेमस है, वहाँ पर ज्यूइश लोगों को रखा गया था काफ़ी दिनों के लिए, और साथ ही में जर्मनी में काफ़ी सारे ज्यूइश लोगों को यहाँ पर मार दिया गया था, तो उसी के कारण ज्यूइश लोग आ गए थे फिलिस्तीन में, क्योंकि वो उनका एंसेस्ट्रल होम था। बिटवीन 1920 से लेकर 1940 के बीच में जो पॉपुलेशन है फिलिस्तीन में ज्यूइश लोगों का, वो काफ़ी इंक्रीज हो गया था, तो उसी के कारण वॉयलेंस स्टार्ट हो गया अरब और ज्यूइश के बीच में और काफ़ी इंटेंस लेवल में पहुँच गया था। और जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो उन लोगों ने बेसिकली इस मुद्दे को UN तक लेके गए, और फाइनल 1947 ने यूनाइटेड नेशन ने वोट किया और डिसाइड किया जो फिलिस्तीन है उसको स्प्लिट किया जाएगा दो सेपरेट स्टेट में, एक तो हो गया ज्यूइश लोगों के लिए और दूसरा होगा अरब स्टेट, और बेसिकली जो जेरूसलम है वो बन जाएगा एक इंटरनेशनल सिटी। इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया था ज्यूइश लीडर्स ने, बट जो अरब साइड था उसने इस प्लान को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। ये मैप आप क्लियरली देख रहे होंगे आपके स्क्रीन में, ये मैप था अकॉर्डिंग टू द UN पार्टीशन प्लान। UN ने जो प्लान बनाया था किस तरह से फिलिस्तीन को डिवाइड किया जाएगा, एक तो हो गया अरब स्टेट में और दूसरा होगा ज्यूइश स्टेट में, और साथ ही में जेरूसलम बन जाएगा इंटरनेशनल सिटी। यहाँ पर आप मैप में देख रहे होंगे क्लियरली जो येलो कलर का एरिया है वो अरब लोगों को दिया गया था, और जो ऑरेंज कलर का एरिया है वो दिया गया था ज्यूइश स्टेट के लिए, और फिलिस्तीन का नेबरिंग कंट्रीज आप देख सकते हैं इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान। 1948 में क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते बिटवीन ज्यूइश एंड मुस्लिम, तो इसीलिए ब्रिटिशर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जो ज्यूइश लीडर्स थे उन लोगों ने डिक्लेयर किया इसराइल ऐसे इंडिपेंडेंट स्टेट, और उसी के बाद शुरू हो जाता है 1948 में एक फियर्स वार बिटवीन फिलिस्तीन एंड इसराइल, और इस वार में जो नेबरिंग अरब कंट्रीज थे उन लोगों ने भी अटैक किया था इसराइल के ऊपर, या फिर इन्वेड किया था इसराइल के ऊपर, और इस वार के दौरान 100,000 फिलिस्तीनी लोग अपने घर से भाग गए थे, उनको भागना पड़ा था फोर्सफुली, और इस इंसिडेंट को बोला जाता है अल नकबा या फिर कैटास्ट्रॉप। और जब ये वॉर एंड हुआ 1948 में और सीज फायर साइन हुआ दोनों नेशंस के बीच में, मोस्ट ऑफ द टेरिटरी इसराइल ने कैप्चर कर लिया था, और इस वॉर में
जॉर्डन का कुछ लैंड को भी इसराइल ने कैप्चर किया था, जैसे कि वेस्ट बैंक जो कि जॉर्डन का था उसको कैप्चर कर लिया था, और साथ ही में इजिप्ट के कुछ लैंड को भी कैप्चर कर लिया था इसराइल ने, जैसे कि गाजा जो कि इजिप्ट का था उसको कैप्चर कर लिया था, और जेरूसलम जैसे कि आप सभी को पता होगा वो एक इंटरनेशनल सिटी था उसको भी कैप्चर कर लिया था इसराइली फोर्सेज ने। इसराइल और फिलिस्तीन के इशू को लेकर फिर से एक बार सबसे बड़ा वॉर शुरू हुआ था 1967 में बिटवीन इसराइल एंड अरब वर्ल्ड। इस वॉर के दौरान इसराइल ने हराया था इजिप्ट को, जॉर्डन को और सीरिया को, और जब ये वॉर ख़त्म हो गया इसराइल ने मोस्ट ऑफ द टेरिटरी कैप्चर कर लिया था, जैसे कि जो ईस्ट जेरूसलम था उसको कैप्चर कर लिया, वेस्ट बैंक को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया था, और साथ ही में जो सीरिया का गोलन हाइट्स था उसको भी कैप्चर कर लिया, गाजा जो कि इजिप्ट का था उसको पूरी तरह से कैप्चर कर लिया, और साथ ही में इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला जो था उसको भी पूरी तरह से कैप्चर कर लिया था। फिलिस्तीनी लोग जो रहते हैं ईस्ट जेरूसलम में, गाजा में, वेस्ट बैंक में, वहाँ पर टेंशन काफ़ी हाई है बिटवीन इसराइल एंड फिलिस्तीन। गाजा जो है उसको रूल करता है फिलिस्तीनी मिलिटेंट ग्रुप हमास, और हमास ने काफ़ी बार इसराइल के अगेंस्ट फाइट किया, और इसराइल ने भी काफ़ी बार हमास के ऊपर अटैक किया है। और रिसेंटली क्या हुआ था आप सभी को पता होगा, मिड अप्रैल के महीने में 2021 का महीना था, रमजान का ये होली मंथ था, और उस दौरान इसराइली गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे हार्श रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था फिलिस्तीनी लोगों के ऊपर, जैसे कि वो यहाँ पर गैदर नहीं हो पाएंगे, प्रेयर नहीं कर पाएंगे, इस तरह का हार्श रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था। तो उस दौरान कुछ क्लैश हुआ था फिलिस्तीनी लोग और पुलिस के बीच में, तो उसके बाद क्या हुआ, हमास ने एयर स्ट्राइक कर दिया था इसराइल के ऊपर, इसराइल ने भी यहाँ पर री अटैक किया था हमास के ठिकानों पर। आपका क्या ओपिनियन है इसराइल और फिलिस्तीन के कन्फ्लिक्ट को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ, आशा करता हूँ आपको समझ आया, पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू फॉर लिसनिंग।